हेलो नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में दोस्तों सी सी एच एन एग्ज़ाम के बाद आप सबकी फाइनल वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी डियर साथियों बेसब्री से इंतजार कर रहे पाँच हज़ार पाँच सौ पाँच के कैंडिडेट्स जिनका भी वेट लिस्टेड दिखा रहा है दोस्तों जिनके अच्छे नंबर हैं मैं आपको बताऊँगा कितने नंबर और आप सबकी वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी ठीक है दोस्तों ये फाइनल अपडेट रहने वाली है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आ, हमारे पास ये मेल आ रहा है और इसकी जो आ, वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगी तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ सारा प्रूफ के साथ में इसका शेड्यूल बता देता हूँ डियर साथियों जैसा आप लोग देख पा रहे हैं ये पाँच हज़ार पाँच सौ पाँच वेटिंग लिस्ट नहीं है इसमें जो बताया गया है जो पाँच हज़ार पाँच सौ पाँच कैंडिडेट्स का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे बताया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी देखिए आप सब लोग जान सकते हैं जो सी सी एच एन वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों ये आप सबका एग्ज़ाम जो उनका होने वाला है यहाँ पे 19 को 19 मार्च को इनका एग्ज़ाम होने वाला है ठीक है और साथ ही यहाँ पे सारा शेड्यूल है उनका देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा और उसके बाद में हॉल टिकट कब आ जाएंगे दो मार्च को आ जाएंगे इनके लोगों की और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दस से पंद्रह के बीच में हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे जो है सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स वहाँ सत्रह मार्च को पहुँच जाएंगे उसके बाद में इनका जो रिजल्ट आ जाएगा साथियों वो तेईस मार्च को इनका रिजल्ट आ जाएगा अब देखिए इसमें जो मेन क्राइटेरिया क्या होता है जो सी सी एस एन का एग्जाम होता है दोस्तों ऐसा तो नहीं है टोटल कैंडिडेट्स हैं जैसे मान के चलिए एक सेंटर पर फिफ्टी कैंडिडेट्स हैं तो फिफ्टी में से कुछ कैंडिडेट्स तो जो है पास नहीं हो पाते हैं ठीक है कुछ किसी कारण की वजह से पास नहीं हो पाते हैं हालांकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं क्योंकि तैयारी करते हैं लोग तो हो ही जाते हैं नॉर्मल एग्ज़ाम आता है और फिफ्टी परसेंट मार्क लेके आने होते हैं लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स पास नहीं हो पाते तो वो कैंडिडेट्स रह जाते हैं अब उन कैंडिडेट्स के साथ ही दोस्तों जो वेटिंग आने वाली है ठीक है उन कैंडिडेट्स के साथ ही जो रिमेनिंग रह जाएंगे उन कैंडिडेट्स के साथ ही उनकी जो है वेट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी ठीक है दोस्तों कब आएगी आपकी वेटिंग तेईस मार्च के बाद में आपकी वेटिंग यहाँ पे आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी देखिए साथियों वेटिंग लिस्ट में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो पाँच हज़ार पाँच सौ पाँच वाले वैकेंसी है वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है ठीक है वेटिंग आ गई है उसकी एक और ठीक है वेटिंग आ गई थी वेटिंग के बावजूद भी वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पे पूरी पूरी संभावना ये है साथियों कि इसकी सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी और दोस्तों ऊपर से आदेश भी आए हैं कि जो पाँच हज़ार पाँच सौ पाँच वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ठीक है ये मैंने आपको एक लेटर में बता भी दिया था ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी जो वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी इस तरीके से तैयार की जाएगी ठीक है इसमें सारा शेड्यूल है पाँच पाँच वालों का तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जितने भी प्रैक्टिकल वर्क हैं वो भी यहाँ पे क्या किस प्रकार से उनको नंबर ऐड होंगे किस प्रकार से उनका शेड्यूल रहेगा वो सारी जानकारी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्यूटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है ठीक है ठीक है और दोस्तों जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर आ, हम जो है अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं ठीक है स्कोर कार्ड जिन कैंडिडेट्स ने डाउनलोड नहीं किया है और जो ई के बारे में मैंने आपको बता दिया स्कोर कार्ड दोस्तों लिंक एक्टिवेट है ठीक है लिंक एक्टिवेट है आप एन एच एम की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारा ग्रुप है दोस्तों यू पी सी एच ओ ऑल अपडेट का उसमें आप जुड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी और आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वहाँ से आप आसानी से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों देखिए जो मैं आपको बात बताऊँ जो पिछली बार वेटिंग निकाली गई थी वो कितने नंबर की थी ये देख लेते हैं क्योंकि चांस कितने कैंडिडेट्स का रह सकता है इसमें तो वेटिंग थी दोस्तों वो फोर्टी एट नंबर तक सिलेक्शन हो गया था ठीक है फोर्टी नंबर तक अब जिनके फोटी सिक्स हैं हालांकि फोटी फाइव तो जा सकता है कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट यहाँ पर उनका चांस बन सकता है ठीक है तो कन्फर्म नहीं है दोस्तों ऊपर नीचे नंबर हो सकते हैं लेकिन ये शेड्यूल रहेगा एन एच एम के द्वारा ही ठीक है हम तो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं दोस्तों आप लोग जिस प्रकार से कमेंट्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ लेके आते हैं क्योंकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा काम होता है ठीक है तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप क्योंकि आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन नर्सिंग के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी और यू पी की जितनी भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी ठीक है तो अभी के लिए इतना ही साथी नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट होगा जरूर बताया जाएगा दोस्तों इस प्रकार का शेड्यूल रहेगा ठीक है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में धन्यवाद जय हिंद जय भारत